हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर जो कि जियो कंपनी ने भी बहुत बड़ा अपडेट दे दिया, अपने यूजर्स को खुशखबरी दे दिया है। जियो फाइबर यूजर्स को मुफ्त 10 Mbps प्लान, मौजूदा ग्राहकों को दोगुना डेटा। रिलायंस इंस्टीट्यूट लिमिटेड की कोरोना वायरस को लेकर पहले के जरिए रिलायंस जियो बिना किसी सर्विस चार्ज के बुनियाद जियो फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देगी। इसमें कहा गया कि भौगोलिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपने ग्राहकों को बिना किसी शुल्क के 10 Mbps स्पीड वाला मुफ्त कनेक्शन देगी। इसके अलावा मौजूदा जियो फाइबर ग्राहकों को सभी प्लान में डबल डेटा मिलेगा। कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस कठिन समय में मोबिलिटी सेवाएं एवं हर अच्छी तरह काम करती रहेंगे। रिलायंस ने यह पहल भारत को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करने के लिए की। इस समय जब अपने घरों में से काम कर रहे और कई शहरों में लॉकडाउन की स्थिति है, कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए, क्योंकि संसार का प्राथमिक साधन इस समय इंटरनेट है। इस पहल के तहत जियो अपने सेवाओं क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को 10 Mbps स्पीड के साथ मुफ्त बुनियादी जियो फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देगी। यह ऑफर नए ग्राहकों के लिए इंटरनेट एक्सेस में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन सब्सक्राइबर को राउटर के लिए भुगतान करना होगा। कंपनी का कहना है कि होम गेटवे राउटर कम से कम रिफंडेबल डिपॉजिट के साथ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जियो केवल उन ग्राहकों का ध्यान रखती है, कंपनी ने मौजूदा जियो फाइबर ग्राहकों के लिए भी डबल डेटा की घोषणा की है। जियो के मुताबिक मौजूदा जियो फाइबर ग्राहकों को सभी प्लान में दो गुना डेटा मिलेगा। हाल ही में जियो ने यह घोषणा की थी कि कंपनी अपने 4G डेटा वाउचर पर डबल डेटा देगी। इस वाउचर में बिना अतिरिक्त लागत में नॉन जियो वॉइस कॉलिंग मिनट भी शामिल होंगे। कंपनी कहना है कि इन सेवाओं को चालू रखने में मदद करने के लिए आवश्यक टीमों को देश भर में एक रोटेशनल बेस पर तैनात किया जाएगा। वुहान में शुरू होने वाला कोरोना वायरस के प्रकोप ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और सब पिछले कुछ दिनों में इस वायरस का संक्रमण भारत में भी फैलना शुरू हो गया। इस समय दुनिया भर में 15,300 से अधिक लोगों की मृत्यु के साथ कोरोना वायरस के 3,49,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, साथ ही 1,00,000 से अधिक लोग इसमें उभर चुके हैं। तो अपडेट यहीं पे समाप्त होता है, जो कि जियो की तरफ से बड़ा ही खुशखबरी निकल कर आ रहा था आप लोगों के लिए, तो मैंने आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल वाईफाई दोस्त को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।